हेलो फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे जिसमें आगे हमने बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड जो एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कस किया था और लास्ट में हमने GCCL का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके सॉल्यूशन के बारे में उसके टेक्निकल पार्ट का जो सॉल्यूशन था उसके बारे में भी डिस्कस किया था आज के इस वीडियो में हम डीजीवीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो पेपर सोल्यूशन है जिसकी एग्जाम सिक्स जनवरी टू को कंडक्ट हुई है उसके पेपर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं यहाँ पे हम उसका टेक्निकल पोर्सन जो है उसका पार्ट वन उसके सॉल्यूशन का जो पार्ट वन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आइए फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एमसीक्यू दिया गया है थ्री लोड्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस फिफ्टी ऑम आर कनेक्टेड इन डेल्टा आपके पास तीन लोड यहाँ पे दिए हुए है ईच ऑफ रेजिस्टेंस तीनों लोड के रेजिस्टेंस फिफ्टी ओम है और उन तीनों को डेल्टा में कनेक्ट किया गया है सप्लाई है हमारे यहाँ पे 400 हंड्रेड वॉल्ट थ्री फेज सप्लाई सो डिटरमाइन द फेज वोल्टेज एंड फेज करंट तो हमें यहाँ पे फेज वोल्टेज एंड फेज करंट जो है वो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन बहुत इजी है हम यहाँ पे ऑप्शन जो, जो है वो देखते हैं तो ऑप्शन है हमारे पास है फोर हंड्रेड वोल्ट फोर्टीन एम ऑप्शन बी 230 थर्टी वर्ल्ट फोर्टीन एम्पियर ऑप्शन सी 230 थर्टी वर्ल्ट एट एम्पियर एंड ऑप्शन डी 400 हंड्रेड वर्ट एट एम्पियर तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा तो so, उसके लिए हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास जो सप्लाई जो तीन लोड आपके पास है वो तीनों रजिस्टिव लोड है दैट मीनस तीन तीनों को हम कुछ इस तरह से डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम तीनों लोड को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है वी कैन से 50 ओम रेजिस्टेंस है इसका भी रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 50 ओम और इसका भी रेजिस्टेंस है 50 ओम और इन तीनों डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड को हमने थ्री फेज फोर हंड्रेड वॉल्ट थ्री फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे हमें जो फेज वोल्टेज एंड फेज करंट है वो फाइंड आउट करना है तो हम यहां पे देखें तो हमारा फेज वोल्टेज एंड फेज करंट हमें क्या मिलेगा तो बेसिकली डेल्टा कनेक्शन में अगर हम देखें तो डेल्टा कनेक्शन जो है उस डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज दोनों इक्वल रहेंगे सो वी कैन से दैट इन डेल्टा कनेक्शन फेज वोल्टेज दैट इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज तो हमें यहाँ पे लाइन वोल्टेज तो दिए हुए है फोर हंड्रेड वोल्ट थ्री फेज सप्लाई है सो लाइन वोल्टेज इज फोर हंड्रेड वोल्ट सो वी कैन से दैट हियर फर्स्ट आंसर इज फेज वोल्टेज एंड दिस फेज वोल्टेज दैट इज इक्वल टू फोर हंड्रेड वोल्ट तो हमारा पहला आंसर हमें मिल जाएगा फोर हंड्रेड वोल्ट तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में दो ऑप्शन हमारे पास है फोर हंड्रेड वोल्ट वाले अब हमें उसका फेज करंट फाइंड आउट करना है तो पर्टिकुलर फेज का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है सब तीनों के तीनों फेज का रेजिस्टेंस 50 ओम है तो फेज वोल्टेज हमारे पास है फेज रेजिस्टेंस है तो हम फेज करंट फाइंड आउट कर सकते हैं तो फेज करंट का फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली इक्वेशन का यूज करेंगे फेज करंट i दैट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज और वी कैन से vph डिवाइड बाय rph राइट right? तो vph हमारे पास है 400 वोल्ट एंड rph हमारे पास है 50 तो हमें आंसर मिलेगा 8 एंपियर तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास फेज वोल्टेज एंड फेज करंट का आंसर है 400 हंड्रेड वोल्ट एंड एट एम्पियर सो so, ऑप्शन डी जो हमारे पास है ऑप्शन डी 400 हंड्रेड वोल्ट एट एम्पियर इज द करेक्ट आंसर so, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं एमसीक्यू क्यू नंबर टू एम क्यू नंबर टू में आपको डेटा दिया हुआ है आ, थ्री फेज इन्वर्टर थ्री फेज इन्वर्टर का एम है Delivers a power to a resistive load from DC source and the DC source is VS. फोर स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ आर पर फेज तो यहाँ पे स्टार कनेक्टेड लोड दिया हुआ है फेज जो उसका लोड है पर फेज आर ओम है और हमारे पास थ्री फेज इन्वर्टर है डीसी सोर्स हमने वीएस इसको दिया हुआ है सो द आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट आई ओ आर फॉर 120 डिग्री कंडक्शन मोड इज तो यहां पे आपको थ्री फेज इन्वर्टर के लिए 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन में आउटपुट का जो करंट है लोड करंट जो है उसकी आर एम एस आई आर एम एस और आई ओ आर जो है उसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा हुआ है तो हमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो देखते हैं तो ऑप्शन ए है हमारे पास है आर दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई रूट सिक्स इन टू वी एस बाई आर ऑप्शन बी आईओ आर इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई रूट थ्री इन टू वी एस बाई आर ऑप्शन सी वन डिवाइड बाई रूट टू इंटू वी एस बाई आर यहाँ पे हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा तो बेसिकली हम इसका जो आंसर जो है उस इसका जो इक्वेशन है वो थोड़ा हम बोल सकते हैं कि उसका डेरिवेशन जो है वो थोड़ा लेंथी है तो हम डायरेक्टली इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आर वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा तो बेसिकली आई आर एम एस जो आउटपुट की आर एम एस वैल्यू है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगा फोर थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड इन्वर्टर विथ वन टी डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन दैट इज आई ओ आर दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई रूट सिक्स इन टू वी जीरो बाय आर नाउ हियर इज इक्वल टू वी एस सो वी कैन से दैट सेन डिवाइड बाई रूट सिक्स वी एस बाई आर तो हम यहाँ पे अगर ऑप्शन देखे तो हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर सो आई ओ आर टू वन डिवाइड बाई रूट सिक्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं एमसीक्यू नंबर थ्री एमसीक्यू नंबर थ्री भी आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यू दिया हुआ है यहाँ पे आपको जो एसी वोल्टेज कंट्रोल है उसका एमसीक्यू है फॉर एन ऑन साइकिल यहाँ पे जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है उसमें एन ऑन साइकिल है एंड एम ऑफ साइकिल फॉर ऑफ सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर द इनपुट पावर फैक्टर इज तो यहाँ पे एसी वोल्टेज कंट्रोलर की जो कंट्रोल टेक्निक है इंटीग्रेट साइकिल कंट्रोल उसका एम सी क्यू आपको दिया हो गया है इसमें एन नंबर ऑफ ऑन साइकिल है और एम नंबर ऑफ ऑफ साइकिल आपके पास अवेलेबल है तो उसका इनपुट पावर फैक्टर हमें क्या मिलेगा वे फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन है हमारे पास है अंडर रूट टू एम डिवाइड बाय एन ऑप्शन डी अंडर रूट एन डिवाइड बाय एम ऑप्शन सी अंडर रूट ऑफ एम इन टू एन एंड ऑप्शन डी अंडर रूट ऑफ एन डिवाइड बाय एन प्लस एम तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर क्या मिलेगा तो हमारा आंसर बेसिकली रहेगा ऑप्शन डी अंडर रूट ऑफ एन डिवाइड बाई एन प्लस एम बट किस तरह से ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो इन्वर्टर आपको जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर दिया गया है वो सिंगल फेज है दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड किया गया है वीएम साइन ओमेगा टी एसी वोल्टेज कंट्रोलर है तो आउट इनपुट भी उसका एसी रहेगा और आउटपुट भी हमें एसी मिलेगा दैट मीन्स कि हम अगर फिक्स एसी इनपुट से वेरिएबल एसी आउटपुट हमें चाहिए तो हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर का यूज जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर है तो आपको दो थारिस्ट पैरल टी वन एंड टी टू कनेक्ट कराए हुए है और लोड जो है वो आर लोड आपको यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है और लोड वोल्टेज बी जीरो है और लोड करंट आई जीरो आपको दिया हुआ है तो इसका इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इसके वेवफॉर्म के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल है तो यहाँ पे आपको सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया गया है और बाद में आप को यहाँ पे गेट पल्सिस आई जी वन एंड आई जी टू जो आई जी वन है वो टी वन का गेट पल्स है और आई जी टू जो है वो दोनों आपको दिए गए हैं इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल में हम जो दोनों दो, दोनों एस सी आर हमारे पास अवेलेबल है उसको हम कुछ नंबर ऑफ साइकिल के लिए ऑन रखते हैं और कुछ नंबर ऑफ साइकिल के लिए ऑफ रखते हैं दैट कि यहाँ पे हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑन साइकिल है और एम नंबर ऑफ ऑफ साइकिल है राइट right? तो हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा तब T1 कंडक्ट होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा T2 कंडक्ट होगा तो उसके हिसाब से हमने यहाँ IG1 और IG2 के गेट पल्स प्रोवाइड किए हुए तो आई जी वन पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम प्रोवाइड करेंगे और आई जी टू हम और हम नेगेटिव हाफ साइकिल में प्रोवाइड करेंगे जिससे रिस्पेक्टिवली टी वन एंड टी टू जो है वो ऑन हो गए तो यहाँ पे फॉर पर्टिकुलरली एन नंबर ऑफ साइकिल के लिए हमने दोनों एस सी आर को ऑन करके हमारा आउटपुट जो है वो आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे हमने फायरिंग एंगल अल्फा जो है दोनों एस सी आर के लिए जीरो डिग्री कंसिडर किया हुआ है तो जो इनपुट है वही हमें यहाँ पे आउटपुट पे मिलेगा अब टू वी कैन से थ्री साइकिल तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ साइकिल ऑन साइकिल है दैट मीन्स कि थ्री ऑन साइकिल है बाद में हमने यहाँ पे जो पोर्शन है दटमीन्स कि आफ्टर सिक्स पाई हमने कोई भी टी, आई जी वन आई जी टू गेट पल्स नहीं दिया हुआ है क्योंकि इस नंबर ऑफ साइकिल के लिए हमें हमारे एसी वोल्टेज कंट्रोलर को ऑफ रखना है तो यहाँ पे हमें एम नंबर ऑफ ऑफ साइकिल मिलेगी दैट कि कोई भी आउटपुट हमें मिलेगा नहीं फिर से हम उसी तरह से T1, T2 को आई जी वन आई जी टू गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे और हमारा आउटपुट जो है हमें मिलेगा तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑन साइकिल है और एम नंबर ऑफ ऑफ साइकिल जो है वो अवेलेबल है तो हम किस तरह से इनपुट पावर फैक्टर का इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके लिए हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज जो है वो हमें दिया हुआ है वी एस दट इज इक्वल टू वी कैन से वी एस दट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी सिंगल फेस सप्लाई है हमारे पास वी एस दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अब हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है फॉर वन साइकिल ऑफ कंट्रोलर तो टोटल तो टाइम जो फॉर वन साइकिल ऑफ कंट्रोलर उसको हम टी कंसिडर करते हैं तो टोटल टाइम हमें मिलेगा टी ऑन प्लस टी ऑफ तो ऑन प्लस ऑफ दोनों को मिला के हमें कंट्रोलर की एक साइकिल है उसका टाइम मिलेगा अब हमें ऑन टाइम फाइंड आउट करना है तो हमारे पास पर साइकिल एक साइकिल हमारी टू पाई की होगी तो हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑन एन साइकिल ऑन साइकिल है तो एन इंटू टू पाई प्लस सेम वे एम इंटू टू पाई तो हम टी ऑफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे हम अगर टू पाई को कॉमन ले ले तो हमारा इक्वेशन बनेगा एन प्लस एम तो ये जो है वो हमारे कंट्रोलर की कंट्रोलर का जो आउटपुट है उसका वी कैन से एक साइकिल का टाइम जो है वो हम फाइंड फाइंड आउट आउट कर सकते हैं टी दैट इज इक्वल टू पाई अब हमें आउट क्या करना है आ, उसका वी जीरो आर एम एस दीन्स की हमें आउटपुट वोल्टेज की आर एम एस जो है उसको फाइंड आउट करनी है तो आर एम एस के लिए हम यहाँ पे एक ऑन साइकिल कंसिडर करते हैं तो हमारा इक्वेशन हमें मिलेगा इन ब्रैकेट वन अपॉन टी Uh, इन टू पे लिख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरी साइकिल का लिया तो जीरो से टी ऑन तक हमें आउटपुट मिलेगा और टी ऑन से टी ऑफ तक हमारा कोई आउटपुट रहेगा नहीं तो उसको हमने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हुआ है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टोटल टाइम हमारे पास टी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है तो उसको यहाँ पे लिखते हैं वन अपॉइट टू बाई एन प्लस एम तो ये हमारा टी हो गया 0, 2, t1 हमें मिलेगा तो की जगह पे हम पुट करते हैं वी एम स्क्वेर साइंस स्क्वेर ओमेगा टी इन टू डी ओमेगा टी एंड होल रेस्ट टू वन बाई टू अगर हम इसका सॉल्यूशन लेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो है उसको वो कुछ इस तरह से मिलेगा वी जीरो आर एम एस इक्वल टू वी एम डिवाइड बाय रूट टू इन ब्रेकेट एन डिवाइड बाय एन प्लस एम रेस टू वन बाय टू तो ये हमारा आंसर रहेगा बट यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो एन डिवाइड बाय एम प्लस एन है हियर एन डिवाइड बाय एम प्लस एन और एन प्लस एम दट इज इक्वल टू के और उसको हम ड्यूटी साइकिल जो है उस ड्यूटी साइकिल से उसको हम रिलेट करते हैं और हमारा जो दूसरा टर्म है दैट इज वी एम डिवाइड बाई रूट टू तो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू तो हमें आर एम एस मिलेगी वो आर एम एस रहेगी हमारी सप्लाई की आर एम एस तो वी एस आर एम एस तो इन दोनों को अगर हम हमारे इस फाइनल इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा दैट इज वी जीरो आर एम एस

तो यहाँ पे आउटपुट पावर के लिए हम V0 वी जीरो आई एस आर एम एस और यहाँ पे अगर हम देखे तो आई जीरो आर एम एस और आई एस आर एम एस दोनों सेम रहेंगे तो हमारे पावर फैक्टर का इक्वेशन रहेगा वी जीरो आर एम एस डिवाइड बाई तो so, इस इक्वेशन से हम अगर करें तो so, V0 RMS आर डिवाइड बाय Vs RMS दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ़ K और K इज इक्वल टू N डिवाइड बाय M प्लस N सो पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ़ K दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ़ N डिवाइड बाय M प्लस N तो हमें यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ उन्न डिवाइड बाय एन प्लस एम सो हमने जो ऑप्शन देखा था दैट इज अवर करेक्ट आंसर इनपुट पावर फैक्टर फॉर सिंगल फेज एससी वोल्टेज कंट्रोलर फॉर इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल उसका जो इनपुट पावर फैक्टर हमें मिलेगा क्या अंडर टॉप के और वी कैन से अंडर उन्ए प्लस एंड तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर फोर एमसीक्यू नंबर फोर में आपको डेटा दिया हुआ है uh, here, आपको अब आप 250 मोटर आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट वन ऑम एंड टू फिफ्टी हॉम रिस्पेक्टिवली सो कैलकुलेट बेक एंड फुल लोड 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 तो फुल पे यहाँ पे में क्या मिलेगा वो हमें करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव वोल्ट ऑप्शन सीबीजल टू टू फिफ्टी वोल्ट एंड ऑप्शन डीबीवल टू टू फोर्टी सिक्स वोल्ट तो हम आंसर देखने से पहले उसका कैलकुलेशन देखते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें दी गई है That means कि हमारे पास जो डी जो डेटा अवेलेबल है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मोटर के लिए वोल्टेज हमें दिए हुए है 250 फिफ्टी वोल्ट देन आफ्टर करंट जो है वो भी हमें दिया गया है 41 वन एम्पियर आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है 0.1 पॉइंट वन ओम एंड सेंट फील्ड रेजिस्टेंस है हमारे पास 250 फिफ्टी ओम सारी डिटेल्स हमारे पास है? है हमें फाइंड आउट करना है तो बेसिकली जो डीसी संट मोटर है उसके लिए इक्वेशन क्या रहेगा तो डीसी संट मोटर के लिए हमारा इक्वेशन रहेगा वी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए राइट तो ये हमारा इक्वेशन रहेगा नाउ <coughs> यहाँ पे हमारा आर्मेचर करंट हमें नहीं दिया हुआ है तो आर्मेचर करंट हमें फाइंड करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें संट करंट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम संट करंट ऑल तो फाइंड आउट करते हैं तो इस है इस वी बाई आर एस है हमारे पास है टू फिफ्टी वोल्ट आर एस एच बी हमारे पास है टू फिफ्टी तो हमारे पास यहाँ पे संट करंट जो है वो मिलेगा वन एमपीयर अब हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से मिलेगा सो वी कैन से अगर हमें तो इस इक्वेशन से फाइंड आउट करना है तो बेके में का बनेगा e is equal to v minus -A, R -A. अब हमें आई ए फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई ए दू आई माइनस टोटल करंट माइनस सेंट फील्ड करंट सो ई बी इज इक्वल टू इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं सो ई बी इज इक्वल टू वी देट इज इक्वल टू टू फिफ्टी माइनस आई फोर्टी वन आई एस एच हमने फाइंड आउट किया है एंड हमारे पास है इसको अगर हम सोल्व करें तो हमें बेकी एम एफ की जो वैल्यू है वो मिलेगी टू फोर्टी सिक्स वॉल्टेट मीन हमारा जो इस केस के लिए बेकी एमएफ हमें मिलेगा दैट इज टू फोर्टी सिक्स वॉल्ट हमारा बेके एम एफ रहेगा ऑप्शन हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ईडी टू टू फोर्टी सिक्स वॉल्ट देट इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर फाइव एमसीक्यू नंबर फाइव में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यू दिया गया है द द आउटपुट वाई ऑफ लॉजिक सर्किट सॉन इन फिगर इज यहाँ पे जो लॉजिक सर्किट है उसमें आउटपुट वाई का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक इनपुट है एक आउटपुट हमें मिलेगा वाई और दो गेट का यूज किया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्ड गेट एंड एक्स और गेट राइट All, हम ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं क्या हमारे पास है ऑप्शन ए हमारे पास है वाई इज इक्वल टू ए ऑप्शन बी वाई इज इक्वल टू ए बार ऑप्शन सी वाई इज इक्वल टू जीरो एंड ऑप्शन डी वाई इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें y का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो y इज इक्वल टू वन जहां पे हमें मिलेगा वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास जो लॉजिक सर्किट है अगर उसमें हम इनपुट a इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करते हैं राइट तो अगर हम यहाँ पे इनपुट a इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे तो हमारे पास जो लॉजिक सर्किट है तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिक सर्किट है उस लॉजिक सर्किट में बेसिकली हम उस इनपुट को पुट करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने A क्या किया है जीरो तो का इनपुट मिलेगा जीरो और यहाँ पे भी नोट गेट में भी जीरो मिलेगा तो दूसरा इनपुट हमें क्या मिलेगा वन तो अब एक्स और गेट के जो दोनों इनपुट है उसका इनपुट हमें मिलेगा जीरो और वन तो एक्स और गेट का अगर हम ट्रूथ टेबल देखें तो उनकी इनपुट में कोई एक भी इनपुट अगर वन रहेगा एक्सोर गेट में एक ही इनपुट वन रहेगा या तो जीरो वन या वन जीरो के लिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा वन मिलेगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मेन इनपुट है जीरो और मेन आउटपुट हमें क्या मिलेगा वन राइट दैट मीन्स की टोटली इन्वर्ट मिल रहा है दूसरे केस के लिए भी देखते हैं तो दूसरा केस हम लेते हैं सपोज कि हम यहाँ पे एक को वन कंसिडर करते हैं अगर हमने ए इनपुट वन दिया है तो यहाँ पे भी एक्सोर गेट का एक इनपुट हमें वन मिलेगा नोट गेट पे यहाँ पे वन इनपुट वन रहेगा तो उसका आउटपुट जीरो रहेगा तो इस केस में भी एक्सोर गेट के जो दोनों इनपुट है एक हमें वन मिलेगा और दूसरा जीरो मिलेगा तो भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा वी कैन से यहाँ पे हम देखते हैं वन है तो वन है तो यहाँ पे नोट गेट के लिए हमें जीरो मिलेगा राइट तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट जो है वो हमें वन के लिए क्या मिलेगा जीरो मिलेगा राइट तो यहाँ पे एज इक्वल टू जीरो के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है वन ये हमारा आउटपुट है और ए इज इक्वल टू वन अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारा आउटपुट बी हमें क्या मिलेगा जीरो मिलेगा तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर हमें मिलेगा वो टोटली totally इन्वर्ट मिल रहा है दैट मीन्स कि हमारा आंसर रहेगा वाई इज इक्वल टू ए बार क्योंकि ए जो इनपुट है उसका टोटली इन्वर्ट आउटपुट जो है वो हमें मिल रहा है सो वाई इज इक्वल टू ए बार दैट इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर सिक्स एमसीक्यू नंबर सिक्स में आपको ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है वो दिया गया है यहां पे हम देख सकते हैं कि अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इज कनेक्टेड टू एट हंड्रेड वोल्ट सप्लाई द वोल्टेज पर टन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज एट वोल्ट एंड द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफोर इज फाउंड टू बी फोर हंड्रेड वोल्टो डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न यहाँ पे आपको जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न जो है उसके बारे में उस इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है तो ऑप्शन है एन इज एन वन वन ट्वेंटी फाइव टन एन टू सिक्सटी फाइव टन ऑप्शन बी एन वन हंड्रेड टन एन टू फिफ्टी टन ऑप्शन सी एन वन सेवेंटी फाइव टन एंड एन टू टन एंड ऑप्शन डी एन वन टन एंड एन टू टन तो हमारा आंसर क्या रहेगा तो आंसर के लिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ, जो ट्रांसफॉर्मर है वो 800 हंड्रेड वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड है तो हमारा प्राइमरी वोल्टेज हमें मिलेगा 800 हंड्रेड वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज आपको दिया हुआ है उसको हम वी से इंडिकेट करते हैं दैट इज फोर वोल्ट राइट और साथ ही में आपको वोल्टेज टर्न्स रेशियो भी दिया हुआ है और वी कैन से V1 वन बाई एन हमारे पास है दैट इज एट तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है तो हमें यहाँ पे एन वन एन एन टू फाइंड आउट करना है तो वी वन बाई एन वन एट हमें दिया गया है तो वी वन की वैल्यू तो हमारे पास है तो उस वी वन की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मिलेगा एट हंड्रेड डिवाइड बाई एन वन दैट इज इक्वल टू एट सो वी कैन से एन वन दैट इज इक्वल टू हंड्रेड टन एन वन हमें क्या मिल गई हंड्रेड टन तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हंड्रेड टन एन वन वाला ऑप्शन एक ही है तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन बी

तो यहां पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें एन टू की वैल्यू मिलेगी फिफ्टी टन तो हमारे पास आंसर में एन वन दट इज इक्वल टू हंड्रेड टन टू फिफ्टी टन तो हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एन वन हंड्रेड टन एंड एन टू फिफ्टी टन राइट सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं एमसीक्यू नंबर सेवन एमसीक्यू नंबर सेवन में <coughs> आपको सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिकल का एमसीक्यू दिया हुआ है इफ द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सीरीज आर एल सर्किट सीरीज आर एल सर्किट का क्वेश्चन है आर टू फिफ्टी ओम एंड इज टू फिफ्टी ओम इज वन सेकेंड फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टर्स तो यहाँ पे आपको टाइम कांस्टेंट दिया गया है आर एल सीरीज सर्किट के लिए आर की वैल्यू दी गई है और एल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए है फिफ्टी हेनरी ऑप्शन बी टू फिफ्टी हेनरी ऑप्शन सी हंड्रेड हेनरी एंड ऑप्शन डी फाइव हंड्रेड हेनरी तो हमें कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा तो उसके लिए हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज आर एल सर्किट है तो वी कैन से फोर सीरीज आर एल सर्किट जो सीरीज आर एल सर्किट है Four series circuit. Time constant, अगर उसको हम T से इंडिकेट करते हैं right? के लिए time constant का equation रहेगा L by R. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम कॉन्स्टेंट हमें वन सेकेंड दिया गया है एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और आर हमें टू फिफ्टी दिया गया है तो एल इज इक्वल टू टू फिफ्टी इंटू वन सो वी कैन से टू फिफ्टी हैंड्री तो ऑप्शन ऑप्शन बी 250 इज़ द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट एम हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर एट एमसीक्यू नंबर एट में आपको डेटा दिया हुआ है टू इंडक्टिवली कपल्ड कॉल्स दो कपल्ड कॉल्स से इंडक्टिवली कपल्ड कॉल्स हैनरी एल टू टू हंड्रेड मिली हेनरी

इंडक्टिवली कपल्ड इंडक्टर आपके पास है तो उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस का इक्वेशन रहेगा M is equal to अंडर रूट ऑफ़ L1 into L2 L1 L2 की वैल्यू आपको दी गई है सो वी कैन फाइंड M तो हियर अंडर रूट ऑफ़ 50 into 200 तो आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे 10,000 अंडर रूट ऑफ़ 10,000 तो फाइनल आंसर मिलेगा 100 मिली हेनरी तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी हंड्रेड मिली हेनरी तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन डी जो है हंड्रेड मिली हेनरी इज द करेक्ट आंसर नाउ आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर नाइन की तरफ तो एमसीक्यू नंबर नाइन आपको दिया गया है फॉर द सर्किट सोन इन फिगर यहाँ पे फिगर में आपको एक सर्किट दिखाई गई है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एक्स आर एक्स की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सच टोटल पावर डिसिपेटेड इन सर्किट इज 2.5 किलोवाट इस तरह से फाइंड करनी है कि जो सर्किट में से टोटल पावर जो डिसिपेटेड हो रहा है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी टू फिफ्टी टू पॉइंट जो है वो मिलनी चाहिए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 250 वोल्ट के सप्लाई के साथ ये रजिस्टर का कनेक्शन दिए गए हैं और RX की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है पर ध्यान में क्या रखना है कि तो पावर डिसिपेशन है वो 2.5 किलोवाट हमें कंसिडर करना है तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन है हमारे पास है 21 ओम ऑप्शन बी 38 ओम ऑप्शन सी 12 ओम ऑप्शन डी 19 ओम तो हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा तो यहाँ पे आंसर पहले देख लेते हैं तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी थर्टी एट ओम बट किस तरह से उसका कैलकुलेशन हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम उसका कैलकुलेशन करने जाए तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर्किट है उसमें फिफ्टीन ओम और टेन ओम के दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरल में है तो उसका टोटल पैरल कॉम्बिनेशन जो हमें मिलेगा उसको हम आर करते हैं तो आर

राइट right? हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं कि जो 15 ओम और 10 ओम का जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मिलेगा 6 ओम दूसरे की बात करते हैं तो R2 तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है 38 ओम और RX का उसको हम R2 कंसीडर करें तो R2 किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं तो R2 के लिए हम यहां पे दूसरा इक्वेशन लिखते हैं R2 दैट इज इक्वल टू सेम वे 38 R x एक्स डिटी एट प्लस आर एक्स इसको हम रख देते हैं अब हमें इन दोनों का रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा यहाँ पे सिक्स ओम और यहाँ पे अगर हम इसको आर टू कंसिडर करें इसको हमने आर वन करा हुआ है तो आर वन आर टू अब दोनों सीरीज में रहेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सिक्स प्लस आर टू थर्टी एट डिवाइड बाय प्लस तो हमें R जो है वो R मिलेगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आर की टोटल वैल्यू हमें मिलेगी फोर्टी फोर आर एक्स प्लस टू ट्वेंटी एट डिवाइड बाय थर्टी एट प्लस आर एक्स ये जो है हमें आर की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी अब हमें आप पावर जो है डिसिपेशन 2.5 पॉइंट कंसीडर करना है तो ये सिंपल सर्किट के लिए अगर हम पावर का इक्वेशन देखें तो इक्वेशन रहेगा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर वी की वैल्यू हमारे पास है 250 फिफ्टी वोल्ट आर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है इन टर्म्स ऑफ आर एक्स तो उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो वी स्क्वायर दैट इज 250 इनटू 250 डिवाइड बाय आर आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है दैट इज 44 आर एक्स प्लस 228 डिवाइड बाय 38 प्लस आर एक्स अगर इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा आह वी कैन सेट 250 � और यहाँ पे हम लिख सकते हैं थर्टी एट प्लस आर एक्स दैट इज इक्वल टू फोर्टी फोर आर एक्स प्लस टू ट्वेंटी पी हमें वो भी दिया गया है पी क्या है हमारे पास तो पी है टू पॉइंट फाइव किलो वॉट तो अब हम इसको फाइनली सोल्व करते हैं तो यहाँ पे टू पॉइंट फाइव किलो वॉट हमारा पी है तो पी की वैल्यू टू पॉइंट फाइव किलो वॉट अगर हम इसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फाइनली ये जो इक्वेशन इस तरह से मिलेगा टू फिफ्टी इंटू टू फिफ्टी राइट एंड वी कैन से इसको भी हम यहां लिख ही देते हैं थर्टी एट प्लस आर एक्स होल डिवाइड बाय फोर्टी फोर आर एक्स प्लस टू ट्वेंटी एट डेट इज इक्वल टू टू फाइव डबल जीरो वॉट राइट अब हमें इसको सोल्व करना है तो हमारा हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे हम टू फिफ्टी इंटू टू फिफ्टी को सामने ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन में क्या मिलेगा और वी कैन से इसको भी हम यहाँ पे ले ले सकते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू फिफ्टी इंटू टू फिफ्टी डिवाइड बाई टू फाइव डबल जीरो दैट इज इक्वल टू इसको इस साइड हम लेते ले ले हैं तो कैन से फोर्टी फोर आर एक्स प्लस टू ट्वेंटी एट होल डिवाइड बाय थर्टी एट प्लस आर एक्स राइट right. अब हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको पहले तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो पे हमें मिलेगा 25 तो हमारा इक्वेशन रहेगा 25 38 प्लस दैट इज इक्वल टू 44 प्लस एट ये हमारा इक्वेशन रहेगा अब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आ, आ, वी कैन से हियर ट्वेंटी फाइव आर एक्स प्लस टू फोर्टी फोर तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं थर्टी फाइव थर्टी एट इंटू ट्वेंटी जीरो माइनस टू ट्वेंटी एट को इस साइड ले लेते हैं तो सो माइनस टू ट्वेंटी एट फोर्टी फोर आर एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव आर एक्स तो हमें अब आर एक्स की वैल्यू जो है ओम मिलेगी थर्टी एट तो हमने आगे ही देखा कि आर एक्स की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या रहेगी थर्टी एट ऑम सो थर्टी एट इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर टेन ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है यहां पे आपको डेटा दिया हुआ है सिक्स हंड्रेड आरकी इज फोर हंड्रेड तो अगर हमारे पास डीसी जनरेटर है वो 600 हंड्रेड आर से रोटेट हो रहा है तो फोर हंड्रेड वो जनरेट करेगा शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन इफ द इंडियो सी एम एफ इज फाइव हंड्रेड वोल्ट अगर इंडियो वोल्ट रहेगा तो उसका रोटेशन की स्पीड जो है हमें क्या मिलेगी और यहाँ पे हमें फ्लक्स को कॉन्स्टेंट कंसिडर करना है ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है फोर एटी एम आर पी एम ऑप्शन बी थ्री थर्टी आरपीएम ऑप्शन सी सिक्स हंड्रेड आर पी एम एंड ऑप्शन डी सेवन फिफ्टी आर पी एम तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो डीसी जनरेटर के केस में जो जनरेटेड है उसका इक्वेशन हमें पता होना चाहिए दैट दैट इज इज इक्वल टू बाई सी ए यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स भी कांस्टेंट है और बाकी के पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो जनरेटेड ईएमएफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन तो हमारे पास दो केस है तो इजी वन फर्स्ट केस के लिए इजी टू सेकेंड कैश के लिए और सेम वे एन वन और एन टू हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो हम इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हियर Eg1 डिवाइड बाय Eg2 दैट इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n2 और हमारे पास अब सारी वैल्यूज है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है n2 की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है तो इसमें n2 को हम अगर फाइनलाइज करें तो n2 इज इक्वल टू n1 ईजी टू डिवाइड बाय ईजी वन एन वन हमारे पास है सिक्स हंड्रेड आर पी एम इन टू इजी टू दैट इज फाइव हंड्रेड वन दैट इज फोर हंड्रेड तो अगर इसको हम सोल्व करें तो हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आंसर हमें क्या मिलेगा तो बेसिकली uh, इसको हम अगर सोल्व करने जाए <coughs> तो n2 की जो वैल्यू है और n2 की वैल्यू हमें मिलेगी वी कैन से n2 दैट इज इक्वल टू 750 rpm तो अगर हमें 500 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ चाहिए तो हमें जो जनरेटर की स्पीड ऑफ रोटेशन में रखनी पड़ेगी 750 rpm तो आ, यहाँ पे हम Uh, हमारा आंसर जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन डी अवेलेबल है दैट इज ऑप्शन डी 750 फिफ्टी आर पी एम सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर राइट सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने डिजिटल का जो 2021 का पेपर था उसके टेक्निकल पोर्शन का सॉल्यूशन का पार्ट वन जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आए इसका जो हमने सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी एग्जाम की प्रिपेरेशन में थोड़ी हेल्प मिल सके आ, उनकी जो प्रिपेरेशन है उसकी प्रैक्टिस भी वो कर सके और साथ ही में अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले